जीत के बाद इस प्रकार की हिंसा ये पहली बार देखने में आ रही है कि किस प्रकार की एरोगेंसी के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और लोकतंत्र पर बंगाल में चुनाव खत्म होते ही हिंसा शुरू हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर जीत के बाद हिंसा करने के आरोप लग रहे हैं। कई लोगों की हत्या हो चुकी है और कई घायल हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं, यहां तक कि घर भी तोड़े जा रहे हैं। बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में भाजपा ने देश भर में धरना दिया। हरियाणा में भी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने धरना दिया और बंगाल की हिंसा के बीच मानवता को खतरे में बताया। धनखड़ ने क्या कहा, सुनिए। मैं कहूँगा कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। लोकतंत्र में हार जीत होती है, लेकिन जीत के बाद इस प्रकार की हिंसा ये पहली बार देखने में आ रही है कि किसी दल का इस प्रकार का अहंकार, और जिसमें मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 9 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है और अनेक स्थानों पर आगजनी हो गई है, पार्टी के दफ्तर फूंक दिए हैं, वर्करों के घर फूंक दिए हैं, रेप की घटनाओं की भी जानकारी मीडिया में आई है, तो मैं कहूँगा कि ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो लोकतंत्र पर कलंक है। पार्टी ने खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बंगाल गए, और देशव्यापी आज ऐसा समय है कि सबके लिए सूचना है घर से ना निकलें। ऐसे समय में भी आके हमको धरना देने के लिए विवश होना पड़ा इस महामारी के समय में। उस नाते से हमने इसका प्रोटोकॉल भी ऐसा रखा कि हम कम समय का दें, 2 घंटे के लिए प्रदेश भर में हरियाणा में हमने नेताओं को कहा कि इनको आप बैठिए और जो है 5 से ज़्यादा मत बैठिए, जब प्रमुख लोग बैठिए, तो उसी हिंसा को प्रति अपना रोष जताने के लिए, दुख जताने के लिए। ये बात लोकतंत्र में देश के जो असली मालिक जनता है उस तक पहुँचे कि किस प्रकार की एरोगेंसी के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और लोकतंत्र पर कलंक है। तो इस प्रकार की एरोगेंसी किसी भी दल की जीत हार लोकतंत्र में, तो भारत की खूबसूरती यही रही है कि हमारे 75 साल होने को हैं, बहुत ही आराम से यहाँ सत्ताएं बदलती हैं। देश की सत्ता बहुत आराम से बदल जाती है, किसी एक भी व्यक्ति पर प्रहार हुए बगैर प्रदेशों की सत्ता बदल जाती है, लेकिन ये घटना वास्तव में शर्मसार कर रही है लोकतंत्र को, और उसके दर्द में, उसकी पीड़ा में, उसकी वेदना में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारे रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश जी भी, हमारे जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान जी भी, अन्य कुछ साथी जो यहाँ व्यवस्था में इंतजाम में हैं, तो इसके औचित्य को, और प्रदेश भर में भी आज हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, सबको मैंने कहा है कि इस घटना के विरोध में अपने अपने स्थान पर आप धरना दें, इसके प्रति नाराजगी, रोष, दुख और अपनी वेदना जता है। चुनाव पूर्ण है कि अलग तरह की व्यवहार सामने आ रहा है, जिस व्यवहार की इस देश में अपेक्षा नहीं की जाती। बहुत मैच्योर लोकतंत्र है भारत का, इसकी इतने बड़े लोकतंत्र की सर्वव्यापी प्रशंसा होती रही है। हमने बड़े से बड़े वर्षों तक शासन करने वालों को बहुत आराम से बदलते हुए देखा है, जिन्होंने 2-2, 3-3 बार सत्ता देश की संभाली, लेकिन सत्ता उनके हाथ से लोकतंत्र में गई तो बड़े आराम से सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन यहाँ दूसरी बार उन्हीं की सरकार बनने पर ऐसी एरोगेंसी ये पहली बार देखने में आ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जनता की रक्षा के लिए उनकी जिम्मेवारी है, एक एक जन की सरकार जो बनती है वो दल की नहीं होती, वो सबकी होती है। बनने के बाद, बनने तक हमारे यहाँ दल होता है, बनने के बाद सबकी होती है और सबके रूप में ही सरकार को व्यवहार करना होता है। चुनाव नतीजे अनुरूप नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ किया है, 3 से हम 77 सीटों पर पहुँचे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 0 हो गई है, कांग्रेस 0 हो गई है, इसलिए बहुत सारे लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ धरनों पर भी बैठे थे, लाल झंडे लेकर, आपको पता है, बॉर्डर पर भी बैठे थे। अब उनको समझ जाना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टियों का भविष्य क्या है, तो सुनने की तरफ कम्युनिस्ट पार्टियाँ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो बढ़ोतरी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, 25 गुणे से भी ज़्यादा बढ़ोतरी है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे बड़े जिम्मेदार दल के रूप में हम उभर कर आए हैं।
लेकिन ये जिम्मेदारी दल के साथ उभर के आते ही जिस प्रकार की पीड़ा में से हमारे कार्यकर्ताओं को जूझना पड़ रहा है, उसके दर्द में, उसकी वेदना में आज का हमारा ये धरना है। उससे सबके सामने विषय सब सर्वोच्च स्थान तक विषय पहुँचे, पहुँचना तो चाहिए ही सबके सामने। इसलिए देश प्रजातंत्र में सबसे बड़ी मालिक देश की जनता है, और देश का जन की जो चीती है, जो सामूहिक मन है, वो सामूहिक मन बहुत मैच्योर है और मैच्योरिटी के साथ इस विषय को समझता है कि हो क्या रहा है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात जो है जनता के सामने जाना है, और इसीलिए जो है, और हर संस्था लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है, तो हर संस्था तक भी लोकतंत्र में अपनी बात पहुँचाई जाती है। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में आगजनी, लूटपाट, हत्या की घटनाओं ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। चुनावी परिणाम के बाद ऐसी घटना देश को शर्मसार करने वाली है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो जरूर कही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हिंसा की आग में सुलग रही बंगाल की गलियों और चौराहे कब शांत होंगे, और इन घटनाओं को अंजाम देने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। झज्जर से प्रवीण धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।